नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आयुष्मान भारत योजना से बिहार में 1,96,000 मरीज हुए लाभान्वित। बिहार के 7 जजों पर की गई बड़ी कार्रवाई। बिहार के 37,000 छात्र छात्राओं के खाते में जाएंगे 20 करोड़ रुपए। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने का शानदार मौका। लालू यादव ने किया सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11 फरवरी तक हर हाल में पूरी होगी शिक्षक पात्रता की जांच। बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में खाली पदों पर साल 2019 से शुरू हुई नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान चयनित सभी अभ्यर्थियों की पात्रता उत्तीर्णता की जांच करने का आदेश कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था। वहीं बिहार शिक्षा मंत्री ने ये साफ कहा था कि 11 फरवरी तक इसे किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से इसे पूरा करने के लिए ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को मंगलवार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। गौर करने की बात यह है कि जुलाई और अगस्त 2021 तक और जनवरी 2022 में हुई काउंसिलिंग में करीब 33,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की माने तो 25 फरवरी को सभी चयनित को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की घोषणा कर दी गई है। इसके मद्देनजर उनकी दक्षता सत्यापन को लेकर डेडलाइन जारी करना अहम कदम माना जा रहा है। बिहार के 37,000 छात्र छात्राओं के खाते में जाएंगे 20 करोड़ रुपए। बिहार के 37,000 से अधिक छात्र छात्राओं के खाते में जल्द ही करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र छात्राओं को सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत रुपए देने वाली है। इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी छात्रों के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस राशि से छात्रों को आगे की पढ़ाई में काफी सहूलियत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2021-22 में शिक्षा विभाग की तरफ से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए पिछड़ा वर्ग के 37,000 छात्र छात्राओं के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में 20 करोड़ 40 लाख रुपए जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 11,710 छात्र छात्राओं के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए जारी भी कर चुके हैं। फिर से पलटी मारेगा बिहार में मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से पलटा हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फरवरी का महीना आ गया है, लेकिन अभी भी पूरे बिहार में ठंड का सबब जारी है। दिसंबर और जनवरी के जैसे ठिठुरन अभी भी महसूस हो रही है। आमतौर पर बसंत पंचमी तक लोगों को ठंड से राहत मिल जाती है, लेकिन इस बार अभी भी रजाई की जरूरत लोगों को पड़ रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आने वाली है। पटना, गया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 10 फरवरी को पटना, गया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के अलावा कुछ जिलों में भी हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर हुआ तैयार। दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। सुपौल में दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के मार्च तक बनने की जानकारी निकल करके सामने आई है। इसको लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन और सूचना मंत्री संजय कुमार झा ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने इस बाबत कहा है कि दरभंगा में बिहार का पहला तैरता बिजली घर बनकर तैयार है, दूसरा पावर प्लांट सुपौल में मार्च तक बन जाएगा। वहीं एक अन्य ट्वीट में संजय कुमार झा के सुखद एहसास कराती प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की राह पर मील का पत्थर साबित होने का बताया है। वहीं मंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान तालाबों के जल के बेहतर उपयोग के लिए नीचे मछली ऊपर बिजली की योजना बनाने का आदेश दिया था। यह बिहार की पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि धरातल पर उतरने वाली है। इस योजना में ही सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होगा। जानकारी के अनुसार सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से बिहार में 1,96,000 मरीज हुए लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ बिहारवासी खूब उठा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में अब तक 1,96,000 मरीज इससे लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने उक्त जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पिछले 4 साल से बिहार को 226.71 करोड़ रुपए की राशि भी दे दी गई थी। वो इस योजना के तहत बिहार के लाखों मरीजों को लाभ तो मिला ही है, साथ ही साथ इसमें 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कुल 1,96,000 मरीजों को इस योजना का लाभ मिला है। वहीं पूरे देश में अब तक 2,79,00,000 मरीजों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बिहार के 7 जजों पर की गई बड़ी कार्रवाई। बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात 7 जज की शक्तियां बीते दिन छीन ली गई है। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने बीते दिन एक नोटिस जारी
जारी कर खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, सासाराम और मुजफ्फरपुर के न्यायिक पदाधिकारियों की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की माने तो इन सभी की न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि इन सभी जजों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी निकल करके सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह आई है कि पटना हाईकोर्ट को जल्द ही 4 नए जज भी मिल सकते हैं। इसमें मुकदमों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद भी बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार में अविवाहित संतान पर आश्रित माता पिता भी पेंशन के होंगे हकदार। अपनी अविवाहित संतान पर आश्रित माता पिता भी पारिवारिक पेंशन के हकदार हो सकते हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत वित्त विभाग ने बीते दिन ही इसको लेकर संकल्प भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये फैसला राज्य में लागू भी हो गया है। इस फैसले के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ उन माता पिता को मिलेगा जिनकी संतान की सरकारी सेवा में रहने के दौरान जान चली गई है। ऐसे दिवंगत कर्मी का कोई अन्य आश्रित जीवित रहा है तो उन्हें माता पिता संतान की आय पर ही आश्रित रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अविवाहित सरकारी कर्मियों के सेवाकाल में अगर जान चली जाती है तो ऐसे में माता पिता को आश्रय मानकर पारिवारिक पेंशन देने की व्यवस्था राज्य में नहीं थी। केवल पति पत्नी और संतान इसके हकदार होते थे। केंद्र सरकार की सेवा में पहले से जारी इस पेंशन प्रावधान को बिहार ने अब लागू कर दिया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने का शानदार मौका। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का नया पिटारा खुल गया है, जिसके तहत ही स्वास्थ्य विभाग ने लैब टेक्नीशियन से लेकर के डॉक्टर तक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर अस्पतालों के लिए 207 विशेषज्ञ डॉक्टर की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया बीते दिन ही शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिए लैब टेक्नीशियन की बहाली प्रक्रिया भी चालू है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जा रही है। मेडिसिन, ENT, नेत्र रोग, चर्म रोग और मनोरोग विभाग में MD, MS, DNB या डिप्लोमाधारी 28 फरवरी की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोगों को हुई परेशानी, लेकिन बिजली कंपनी फायदे में। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में बिहार सरकार बिजली चोरी पर रोक लगा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि हर हाल में इस अभियान को समय से पूरा करना ही है। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आम उपभोक्ताओं में दुविधा की स्थिति देखी गई है, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कटने वाली राशि और बाकी चीजों के लेकर उपभोक्ता काफी परेशान है। उनके पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबके बीच बिजली कंपनी की तरफ से जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार कंपनी लगातार मुनाफे में आ गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिजली कंपनी का राजस्व संग्रह बढ़ाने का काम चल रहा है। जनवरी महीने में ही इसके अंदर बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इसकी बड़ी वजह स्मार्ट प्रीपेड मीटर को माना जा रहा है। अब ATM से नहीं मिलेंगे 2000 के नोट। 5 साल पहले केंद्र सरकार ने 2000 के नोट की शुरुआत की थी और नोटबंदी लागू की थी। इसके बाद से हर कोई गुलाबी नोट के साथ नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये नोट बाजार से गायब होने लगी। आलम कुछ यूं है कि अब यह नोट ATM में भी नहीं मिलने वाला है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसको लेकर फैसला किया है कि अब ATM में 2000 के नोट नहीं रखे जाएंगे। इसलिए अब सभी ATM में 2000 के नोट रखने वाले कैलिबर को हटाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर ATM में 2000 के नोट राजधानी पटना में फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। बैंकों द्वारा ATM फीडिंग एजेंसी को भी 2000 के नोट मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। बैंक यूनियन की माने तो इसके साथ ही ग्राहकों की मांग भी रहती है कि 2000 की जगह 500 के नोट को ही रखा जाए, इसलिए बैंक अब इस सुविधा को ही हटाने जा रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर पर बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक ठाक करने को लेकर संकल्प जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संकल्प तभी लिया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। हालांकि बीते कुछ समय से बिहार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का राज्य कायम करने के लिए एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में राज्य के DGP और मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के DM और SP भी जुड़े थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चर्चा की थी और मुख्यमंत्री स्पीडी ट्रायल से लेकर अपराध अनुसंधान के मामले पर राज्य के पुलिस अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा करते देखे गए। लालू प्रसाद यादव ने किया सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान। कल प्रस्तावित बैठक को लेकर लालू प्रसाद यादव राजधानी पटना बीते दिन ही पहुंच गया है, जिसके बाद ही उनको लेकर कई खबरें मीडिया में चलाई जा रही थी। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान एक बार फिर कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल देखने को मिल रही है। बीते दिन ही राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से बिहार आने के पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावना जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट से मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति मिलते ही चुनाव लड़कर संसद आऊंगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं संसद पहुंचकर उनकी बातों का जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश को दिया महागठबंधन में आने का निमंत्रण। बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। पहले तो विधायक अजीत शर्मा ने एनडीए सरकार को कोसने का काम किया और कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, फिर भी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य के विकास के लिए महाराष्ट्र और बंगाल को जितनी राशि मिलती है उतनी ही राशि बिहार को भी मिलती है, लेकिन खर्च नहीं हो पाता, आखिर ये पैसा कहां जाता है। इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एनडीए की सरकार नहीं चल पा रही है तो आइए हम सभी मिलकर महागठबंधन में शामिल होकर एक नए बिहार का निर्माण करते हैं, नई रणनीति बनाते हैं और बिहार के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करते हैं। जदयू में रहकर पार्टी के प्रति भ्रम फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ साथ पार्टी के अंदर भी बयानबाजियों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पार्टी के प्रदेश स्तर के एक नेता द्वारा अपने सोशल साइट पर पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के बाद अब बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से बयान जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए बिना नाम लिए कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की माने तो मंगलवार को विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन के बाद उन्होंने कहा कि जदयू के कुछ साथी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जो सच्ची आस्था रखते हैं और दल के प्रति सचमुच निष्ठावान है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं की पार्टी है। गलत मंशा से गठबंधन की गरिमा को भंग करने वाले ऐसे लोगों पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। कार्यकर्ताओं की मान सम्मान और स्थान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पार्टी हमेशा से दल के समर्पित साथियों को सम्मान देती आई है और आगे भी ऐसे तमाम साथियों को उचित स्थान देकर सम्मानित किया जाएगा। साल की बेस्ट महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना पहले ओडीआई में नहीं होंगी शामिल। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगी। मंधाना का न्यूजीलैंड के खिलाफ कम से कम पहले वनडे से बाहर होना तय है। क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मंधाना को अभी कुछ दिन और आइसोलेशन में रहना होगा। न्यूजीलैंड सरकार को क्वारंटीन नियमों के कारण ही मंधाना को एकमात्र टी20 से भी बाहर होना पड़ा था। इस मुकाबले में भारतीय टीम को बुधवार को 18 रन से हार का सामना करना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर 12 से 20 फरवरी तक 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। सीरीज के सभी मैच क्वींसटाउन के ओवल मैदान पर खेले जाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, अनुज कुमार, शिव प्रसाद पासवान, महासेठ माइकल, प्रिया यादव, विकास केंद्र रामशंकर मुखिया, अमरजीत कुमार, संतोष यादव, रंजीत कुमार मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में अपराध को रोकने के लिए बिहार सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।